आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर पुराणों और वेदों को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी कुल 5 ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अगले जन्म तक साथ जाती हैं। नंबर 1, ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है, इसलिए आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। नंबर 2, कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक आपको चुकाना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। नंबर 3, मोह और वासना। अगर किसी वस्तु को पाने की आप चाहत रखते हैं और वह आपको ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस वस्तु का मोह आपका पीछा नहीं छोड़ता। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था, उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा, इसलिए मोह और वासना को अपने मन पर हावी ना होने दें। नंबर 4, कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों के द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। नंबर 5, पुण्य। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी है। जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए।